पहला और प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो तो ये है कि पुलिस आप लोगों की हिफाजत और आपकी मदद के लिए यहाँ हमा वक्त मौजूद है। हमें जब कोई इशू पता चलता है हम उस पर फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व करें। अब जो कोरोना का इस वक्त सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ है लाहौर में और नंबर्स नीचे जा रहे हैं, बट जाहिर है इसमें केवियट वही है कि जैसे छोटी ईद के ऊपर लोग बहुत आपस में मिले, SOPs का ख्याल ना किया, तो उसके बाद जो स्पाइक आई वो हम सब ने देखी। सिटीजन्स के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि आप इस ईद पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। पूरी दुनिया में ऐसे कई हमने एग्जांपल्स देखी हैं कि नंबर्स नीचे जाने के बाद फिर एकदम जंप हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने ख़त्म कर लिया है, उसके बाद विक्टोरिया स्टेट बंद करनी पड़ी। अमेरिका में इस वक्त अगेन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स ऊपर जा रहे हैं बिकॉज उन्होंने जब ओपन अप किया तो ये प्रॉब्लम्स हुए। हम जाहिर है ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, लोग अपनी रूटीन की ज़िंदगी अच्छी गुजारें, उसके लिए लोगों का और शहरियों का तआवुन बहुत ज़रूरी है। कम से कम बाहर निकलें, जो बहुत अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं उनके लिए बाहर जाएं, जो रश वाली पब्लिक प्लेसेस हैं जहां इसको स्प्रेड होने का डर है उनको अवॉइड करें, पुलिस के साथ तआवुन करें। हम लोग आपकी मदद के लिए, आपकी हिफाजत के लिए हमा वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप लोग कम निकलेंगे, कम मिलेंगे, तो इसके कोरोना के स्प्रेड का रिस्क कम से कम होगा, और वो कम होगा तो हम सब के लिए ईद के बाद का जो पीरियड है वो अच्छा होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इस सिलसिले में ख़ुद भी ख्याल करें, घर में रहें और महफूज रहें। छुट्टियों को ये मत समझें कि ये कोई एक पिकनिक का एक है टाइम, इस वक्त ये ग्लोबल पेंडेमिक है, सारी दुनिया के लिए एक इशू है, हमें उसको उसी तरह से ही कुछ अरसे के लिए ट्रीट करना चाहिए। आगे पूरी ज़िंदगी है, बहुत मौके आएंगे जिसमें हम इंशाल्लाह मिलकर सब सेलिब्रेट करेंगे, अभी एहतियात का टाइम है।